बहुत ही इजी पिज्जा बेस, तो वो भी बिना ईस्ट के बनाएंगे। तो देख लेते हैं कि पिज्जा बेस के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए। ये हमने एक कप मैदा ले लिया है, ये 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ले लिया है, ये 1/4 टीस्पून शुगर ले लिया है, ये 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ले लिया है, और ये 2.5 टेबलस्पून जितना कर्ड लिया है, और इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ये मैंने बॉइल्ड कॉर्न्स ले लिए हैं, ये अनियन, ये स्लाइस्ड कैप्सिकम, ये मोजरेला चीज, और ये रेड चिली फ्लेक्स, और ये सीजनिंग, ड्राई हर्ब्स की सीजनिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक और इजी पिज्जा सॉस। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 5 टमाटर ले लिए हैं, ये है ऑयल, ये मैंने 1/2 टेबलस्पून जितनी शुगर ले ली है, ये 1/2 टीस्पून जितनी सॉल्ट ले लिया है, ये मैंने गार्लिक को बारीक काट लिया है, ये टोमेटो केचप, और ये क्रश्ड ब्लैक पेपर।
चिकन इजी होममेड पिज्जा रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग बने हैं। आप इसको घर पे बनाइए और अपने कमेंट्स नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और मेरी चैनल जो कि है हैप्पी किचन, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मेरा जो ये पिज्जा का वीडियो है उसको लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलेगा। थैंक यू।